कट ऑफ क्या होने वाला है। जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, कौन सी घड़ी की आंसर की जो है वो अपलोड किया जा चुका है और पेपर भी अपलोड किया जा चुका है। इससे पहले कई सारे बाबाओं ने अपने अंतर्यामी शक्ति से क्वेश्चन पेपर को मन ही मन एवेल्युएट करके कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, और कई ऐसे लोग हैं जो कि अब पेपर देख के भी प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे मेरे जैसे बाबा लोग। ठीक है, तो जो पहले प्रिडिक्शन था, जो अब प्रिडिक्शन है, सवाल ये उठता है कि क्या होगा कट ऑफ। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द कट ऑफ, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो कट ऑफ क्या होने वाला है, चलिए उसी के ऊपर बात करेंगे कि पेपर जैसा मैंने एनालाइज किया, अगर मैं एक एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दूं और एक लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर देखूं, तो पेपर वॉज मॉडरेट इन बोथ द शिफ्ट। थोड़े बहुत पेपर जो थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा मतलब पार्ट शिफ्ट टू में, बट शिफ्ट टू वॉज नॉट टू डिफ़िकल्ट। अच्छे क्वेश्चन मतलब लॉजिकल एंड अच्छे क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट नहीं थे। ठीक है, सो द पेपर वॉज मॉडरेट, एंड पेपर जब मॉडरेट है तो कट ऑफ विल बी मॉडरेट, कट ऑफ भी मॉडरेट जो है वो जाने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इट इज़ नियरली अबाउट 55%। ये जो जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा वो 55% के आसपास जाएगा। जितने भी बाकी कैटेगरी के लोग हैं उसी के रिस्पेक्टिव में जो भी देख सकते हैं, जैसे कि 55% जब कट ऑफ गया है तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसी थिंग्स के अकॉर्डिंग वो वेरी करेंगे। तो कट ऑफ जो जाने वाला है 55% के आसपास जाने वाला है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बहुत होगा 108 से लेके 115 के बीच में जो है कट ऑफ मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे लेकिन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं ये नहीं कह सकता, कई लोगों ने पेपर देने आने के बाद जो कहा था पेपर वॉज टू डिफ़िकल्ट, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट कि बहुत डिफ़िकल्ट था। सो कई अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया है, बट बच्चे थोड़े डर भी गए थे, तो डरने की वजह से ऐसा लाजमी है कि आप लोग ऐसा सोचें, बट कई लोगों ने चुप्पे से परफॉर्म भी किया। कहते हैं ना कि अकेले में बैठ के इतनी मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचा दे, तो कई लोगों ने वो मेहनत करी होगी। यानी कट ऑफ ऑन एन एवरेज जाने वाला है 55%, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 108 से 115 के आसपास जो है वो रेंज जो होगा कट ऑफ का पाया जाएगा जनरल कैटेगरी JRF के लिए। उसी के रिस्पेक्टिव में मैं ये प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर जो 110 के रिस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। तो उसी के आसपास जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाने वाला है। ठीक है, सो इसी के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो लोग कैलकुलेट कर लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आपके बाउंड्री लाइन पे हैं, एक्स्ट्रा हैं या आप पीछे हैं। अगर आप 100 से नीचे हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है एक्सपेक्ट ये करें कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो लोग 100 से 115 हैं वो बाउंड्री लाइन पे हैं, और जो लोग बेसिकली 120 क्रॉस कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरा CSIR का कोर्स शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ज्वाइन करिए और क्रैक करिए CSIR कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।